अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलिस्बा की, जहाँ मैं सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआओं से हम लोग भी खैरियत से हैं। तो हमारी यूट्यूब फैमिली की ये दुआ है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और वो मेरे बहुत साथ दे रहे हैं और आगे भी साथ देंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब किया करिए प्लीज़। आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। ये आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, हमें आप लोगों के साथ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी आप लोग मेरा साथ देंगे। मेरे यूट्यूब बहुत प्यारी सी फैमिली है मेरे लिए। तो मेरे यूट्यूब फैमिली प्यारी सी, हाउ आर यू, आई एम, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गई हूँ अपना डेली सफाई रूटीन ब्लॉग शुरू करने। तो ये देखिए, सब पहले मैं जो है बेडशीट को मैंने निकाल लिया है और सारा जो है क्लीनिंग मैंने कर लिया है। ये बच्चे मेरे जो है बुक्स वगैरह सब उल्टा सीधा फेंके रहते हैं, तो मैंने सोचा पहले इनको मैं सही से कर देती हूँ। बाकी सारा टेस्टिंग वगैरह मैंने कर लिया है, डेली वही टेस्टिंग वगैरह का वीडियो क्या बनाऊँ, तो इसलिए मैंने आज उसको स्किप कर दिया। तो ये बुक्स है जो इसको मैं सही से लगा दूँगी। नीचे तो थोड़ा बुक्स सही है, ऊपर बिल्कुल उथल पुथल मचाए हुए हैं। तो बच्चे सब अपना एक उठाएंगे, तीन फैलाएंगे, ऐसे करेंगे पूरा दिन। हमको जो है इसी में ऐसे ही लग जाता है, सब धरने उठाने बटोरने समेटने। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाह रही हूँ और अपनी कुछ मन की बातें आप लोगों तक शेयर करना चाह रही हूँ और पहुँचाना चाह रही हूँ। कि मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि सास को खुश करने का क्या तरीका होता है बहू का, या क्या करें जो है सास जो है खुश रहे बहू से अपने। तो बहू को चाहिए कि पहले अपने फैमिली के जो है जितने मेंबर हैं उनसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब समझदारी से उनके साथ जो है गुजारे और रहे। और अपने सास अपने परिवार के लिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। जो फैमिली होती है उनका जो है बारीकी से छोटी चीज़ों का जो है ध्यान देना पड़ता है। बहुत बारीकी से अपने फैमिली को चलाना चाहिए, बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि मेरा क्या फ़र्ज है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सास का क्या फ़र्ज है बहू के साथ। सास को भी देखना चाहिए कि मेरा क्या फ़र्ज बनता है अपने बहू के साथ, मैं कैसे मैनेज करूं अपने बहू के साथ, मैं कैसे रहूं। और एक बहू को बेटी बना के जब रखेंगे तभी घर में खुशहाली और उत्सव का माहौल होगा, खुशहाली आएगी। और जब नफ़रत पैदा होगा, जब आदमी दूसरी नज़र से देखने लगता है, सास बहू को बहू की नज़र से देखने लगती है और बेटी और बहू में फ़र्क करने लगती है, वहीं नफ़रत पैदा शुरू होना हो जाता है। लेकिन सास जो अगर अपने बहू के साथ बहुत अच्छे से रहती है मिलके और बहू अपने सास के साथ, तो यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी पड़े होते हैं कि उनको जो है किसी की प्यार मोहब्बत रास नहीं आती, या किसी को जो है देख के उनको बर्दाश्त नहीं होता कि इनका घर कैसे अच्छे से चल रहा है, वो मुंह उठाए और चले आए कान भरने। तो बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी किसी की बातों को जो है सुनना नहीं चाहिए, ना किसी की बातों का ध्यान देना चाहिए। वो आपके घर में आग लगाते हैं, कभी आपका भला नहीं सोचेंगे। आपका भला तो आपकी फैमिली ही करेगी और आपका भला आपके अपने करेंगे। और ये पराए जो होते हैं उनसे जो है आपकी खुशी देखी नहीं जाती है, तो वो चले आते हैं कान भरने सास की बहू की। तो दोनों को मेरी जो है मानना यही है दोनों को कि जो कभी सबकी सुने बातें लेकिन करें अपने मन की। कभी किसी का जो है अगर बहुत समझदारी से रहेगी और सास भी समझदारी से रहेगी तो कभी किसी कोई आग नहीं लगा पाएगा, इधर का उधर चुगली नहीं कर पाएगा। तो बहुत से लोग ऐसी भी होती हैं कि जिनको रास नहीं आता है इन सब चीज़ देख के। तो हमेशा जो है समझदारी से रहिए और अपने फैमिली का बहुत ध्यान दीजिए, बहुत प्यार से रहिए अपने घर में, बहुत संभालिए अपने फैमिली को, बहुत देख रेख रखने की ज़रूरत है। आपके सास ससुर के बाद आप ही का नंबर है घर में, आप जिम्मेदारी देखेंगी अपने साथ के सास के साथ रहेंगी, सब कुछ समझदारी से अपने सास से समझेंगी, तो आपको आगे चलकर ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी और हर चीज़ जो है आप मैनेज कर ले जाएंगी। तो हम महिलाओं का जो है यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है और हम लोगों को इन्हीं लाइफ के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बहुत अच्छे से रहना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो है अपने लाइफ में अपने ही चलती, अपने जो है कहते नहीं पैर में कुल्हाड़ी मारना, तो अपने चलते ही अपने पैरों में लोग कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को तहस नहस कर देते हैं। जब बहू की मिजाज समझ जाएँ और बेटों की मिजाज समझ जाएँ, तब बहू बेटों को जो है अपने घर की मालिक और मलकिन बनाना चाहिए। नहीं तो अपनी जब तक ज़िंदगी है बहू को, ससुर को और सास को अपना ही मालिक रहना चाहिए और सबके फ़र्ज को निभाना चाहिए। सबकी जो है
क्या फ़र्ज होती है सबको देखना चाहिए। ये नहीं कि मालिक और मलकिन के मतलब ये नहीं होता है कि आप मालिक हैं तो सबको दबा के चले, सबको हर चीज़ में रोकना टोकना बोलना ये सब नहीं होता है। बहुत हिसाब से घर चलाना पड़ता है, सबके बस की बात नहीं है बहुत अच्छे से घर चलाना, बहुत अच्छे से मैनेज करना। जो बहुत समझदार औरतें अकलमंद होती हैं वही घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं और बहुत अच्छे से चलाती हैं अपने घर को। तो घर जो है बहुत तिनके तिनके से इंसान बनाता है तो उसको भी बिखेरना नहीं चाहिए घर को। घर जो है सपनों का जो है ताजमहल होता है, तो कभी अपने घर के ताजमहल को कभी बिखेरना नहीं चाहिए। और घर जो है घर को हमेशा जन्नत बना के स्वर्ग बना के रखना चाहिए कि आने वाले वक्त में आपके लोग तारीफ करें और आपकी प्रशंसा करें। तो आप लोगों तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाने का मेरा जो है यही मकसद है और यही जो है आरजू है, तमन्ना है। तो चलिए, मेरी सफाई ब्लॉग्स हो चुकी है, मैंने जो है अपना देखिए बेडशीट वगैरह सब चेंज कर लगा दिया है, पिलो कवर भी लगा दिया है और मैं अपने आप से बातें भी कर चुकी हूँ। तो आप मेरी YouTube फैमिली बन चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बातें आप लोगों के दिल तक जो है पहुंचाती हूं, आप लोगों तक शेयर करती हूं कि हमारी बातें आप लोगों तक पहुंच जाए। कहते नहीं हैं समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। लोग नफरत करके भी प्यार पा जाते हैं और बहुत से लोग प्यार करके भी तन्हा रह जाते हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हम बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अच्छी अच्छी कमेंट करना और कमेंट में बताना हमको सारी बातें। तो चलिए, वाचिंग द वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जो औरतें अपने घर को जो है बहुत अच्छे से सजाती संवारती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, वो घर की मरियम होती हैं। कहते नहीं है कि औरत एक दुर्गा भी होती है, एक मरियम भी होती है, एक लक्ष्मी भी होती है। तो औरतों में बहुत सारे गुण होते हैं और बहुत सारी सहनशीलता होती है जो औरतें जो महिलाएँ कर सकती हैं वो एक पुरुष कभी नहीं कर सकता है, एक मर्द कभी नहीं कर सकता। उतनी सहन शक्ति नहीं होती है, वो बेचारी अपने एक पैर के बल पर पूरी जिम्मेदारियों को उठाती रहती हैं, निभाती रहती हैं कि कभी कोई उन पे उंगली ना उठा पाए। उन पे कोई जो है उन अगर पूरे घर में किसी का सर दर्द होता है तो उनका पूरा बदन दर्द करने लगता है। तो घर को ऐसे माहौल में बना के रखिए कि अगर आपका उंगली दर्द हो तो पूरे घर वालों का जो है पूरा बदन दर्द हो। तो हमेशा जो है अपने अपने घर को संयोग के रखिए, अपने घर को संभाल के रखिए, अपने घर को बिखरने ना दीजिए। मेरी प्यारी बहनों से मेरी यही गुजारिश है, मेरी प्यारी बहनें भाभियों और माताओं से यही गुजारिश है कि अपने घर को बहुत संभालिए, बहुत संवारिए। ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है और बहुत बुरा जो है किसी के जल्दी अच्छी बातें समझ में नहीं आती है।